सो गाइस, मैं राहुल के घर पर आया हूँ और अभी हम लोग थोड़ी देर में वीडियो बनाने वाले हैं। भाई ने बहुत खर्चा किया है नए एक्सेसरीज में। हाय ब्रोस। देखते हैं, अभी थोड़ी देर में देखने ही जाने वाला है। आज गर्मी भी बहुत है ना। ये वीडियो मैं ओप्पो रेनो 6 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी वाइफ का है ये, इसका स्क्रीन गार्ड लगाना है, तो मैं बोला आज रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ इसमें। बट क्वालिटी सच में बेटर है, इट्स बेटर दो बेटर देन माय वन प्लस 70 प्रो। मेरे को 2 मिनट के लगा आईफोन वगैरह लेके आएगा वैसे ही दिखता है आजकल सब फोन, वैसे ही दिखने लगे आईफोन जैसे ही सब डिजाइन बना रहे मस्त है। ये है अपने राहुल भाई की नई बाइक विच हैज बीन अपग्रेडेड लाइक अ 2022 डोमिनार। सो अभी क्या क्या डाला है जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। दिन बाद मैं कैमरे के सामने फिर तो अपन इधर से शुरू करते फिर इधर जाते। ओके, तो आज सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे लगा है ये जो मल्टी कलर हो गया ना, ये मोबाइल माउंट वाला स्पेस है एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है गाइस बहुत अमेजिंग है। मतलब ये थोड़ा भी ग्लो नहीं करता एंड यू फील दैट द डिस्प्ले इज बिगर। और ये मेरा ASG का भी ये आता है बट ये फॉरेन का है, JDR। ये सेम चीज विजू भाई की गाड़ी पे भी है। अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट, इसमें मोबाइल एकदम स्टडी रहता है। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी अपने पास इधर चार्जर आ गया है, दिस इज द चार्जिंग एरिया। और इसका जो माउंटिंग सिस्टम ये इतना अमेजिंग है, ये बराबर हैंडल बार राइजर के नीचे आता है, मतलब ये पूरा बाहर निकाल के आपको इसको माउंट करना है। एंड मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर्स का इतना सा हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, वो भी फील होता है। और मेरा एक्स्ट्रा चार्जर भी इधर रह गया एंड ये मेरा बटन्स है फॉर द मॉन्स्टर लाइट। ये तो जबरदस्त खतरनाक मोड भी, ये भी दिखाता हूँ दोस्तों एंडिंग में। ये फ्लिकर देता है, ये ऑन ऑफ मोड्स है इसमें, ये सिर्फ पासिंग देने के लिए। यहाँ पे अभी अपन आएंगे मेन चीज। सो ये अपना नया हैंड गार्ड्स, वाओ क्या दिख रहा है यार, वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये वाइजर, वाइजर दूर से देख के ही समझ गया कुछ तो नया चीज लग गया है वाइज पे एंड इट लुक रियली अमेजिंग। सबसे मेरे को अच्छा चीज क्या लगा बोले, ये वाइजर में मैंने जब भी देखा कल, ये जो बोल्ट सिस्टम लगा है ना उसके नीचे रबर माउंटिंग भी परफेक्ट दिया है। हाँ। उसकी वजह से पहला जैसे वाइब्रेशन का आवाज आता है ना, वो नहीं आ रहा है अभी। और एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इसको माउंटिंग का ना थोड़ा सा जुगाड़ है, R&D है, तो वो राजू ने किया लेकिन राजू को भी जमा नहीं, तो बहुत सारी चीजें मेरे को खुद से देख के सब करने पड़ा। ये जो वाइजर लगा है ना इसके पीछे ना एक और फुल ब्रैकेट है, तो आपका हेडलाइट आएगा, हेडलाइट के ऊपर ये आपको पूरा एडिशनल ब्रैकेट खरीदना पड़ता है, वो देते हैं वो लोग इसके साथ। और इसके अंदर भी वाइजर का माउंट है, इसके पीछे भी वाइजर का माउंट है, तो डबल वाइजर के माउंट है, तो वो ध्यान में रखना है कि वाइजर रबर जो है वो 2 सेट लेना और फिर ये वाइजर इसके ऊपर बैठेगा। और इसमें नो नॉइस अभी तक तो मुझे आया नहीं, बजाज का R&D इज फैंटास्टिक। R&D से मुझे याद आया, ये आप इधर देख रहे हैं ये जो इधर लगा हुआ है ना, तो ये एडिशनल आपको इधर ऐसा इसके ऊपर सेटअप करना रहता है, एक ब्रेक का ये डब्बे के ऊपर, सॉरी ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो भी है बटन का डब्बा है, और ये वाला बटन का डब्बा है ना इसके पीछे, ये ऐसे एक लगता है। और इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक स्पेसर डालना पड़ता है, तो ये बहुत ध्यान से दिखा हुआ, ये जो स्पेसर है ना ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा और बजाज में भी मिलना पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना जल्दी मिलता नहीं है, तो ये हमने कस्टम बनाया। लेकिन जैसे ही अगर आपको ये लगाना है हैंडगार्ड, तो स्पेसर आप ध्यान से लेके आओ, भले कहीं से भी लाओ लेकिन वो स्पेसर 3-4 आइटम ले लो, मैं खुद लेने वाला हूँ, ऑर्डर देके रखा है, जब आ जाएगा तो हो जाएगा। और नंबर नीचे ले लिया, नंबर अपना नीचे ले लिया। ओके, कम दिखे इतना अच्छा है। सुपर बाइक, बहुत ही अच्छी दिख रही है एंड टॉप बॉक्स आपको पता ही है दोस्तों, दिस इज फ्रॉम शिजुआ कंपनी, जो अनिश भाई के पास मिलेगा आपको। ये देखो एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। नहीं ये लॉक नहीं किया था एक्चुअली, एक्चुअली क्या ना एकदम गर्मी था ना, हाँ तो मैंने इस पे ये रखा, ओ इसको पूरा भिगा के रख दिया मैंने, ये मैं करता हूँ नॉर्मल, मैं कवर नहीं डालता गाड़ी पे, मुझे नहीं पता। सो नोट कीजिए, हम कवर नहीं डालते बाइक पे, उसका रीजन भी है चूहा चूहा चूहा
वहाँ पे अगर पीछे पीछे का साइड देखो तो गटर है उधर, वहाँ से चेंबर्स ही चेंबर्स है यहाँ पे, चेंबर्स है। तो पर्सनली कवर डालने का कोई जरूरत नहीं रहता, बहुत लोग करते हैं सब, मैं नहीं करता, आगे भी है कवर में, नई गाड़ी है, एक साल हो जाएगा उसके बाद वो कवर सब भूल जाते। सो अभी यार जो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये जो बटन्स दिखाए थे ना, ये लाइट्स के थे, ठीक है। अभी ये लाइट्स है ना, दिन रात सब एक ही कर देते हैं ये लाइट्स। इसको दिन में भी दिखाने का मजा है। हाँ ये देखो अभी, वाव, ये इतना ब्राइट है ना दोस्तों, अभी यहाँ पे अगर लगी है ना, और ये रात में अगर ये सामने बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, ये पूरी ब्राइटन लाइट हो जाएगी बिल्डिंग। हाँ आराम से, ठीक है। तो ये दिशा आर क्लोज टू देनालीज ना, क्लोज टू देनालीज बोल सकता हूँ मैं। कंपनी देनाली का बनाता है, ओके, बनता है ना ये पूरा सेटअप, ये देनाली का मोटर फैंसी बनाता है। एग्जैक्टली, अपने पास वही है ना, इसके लिए वो लगाना पड़ता है ना, क्या वो बोलते है स्टेबिलाईजर या कुछ तो बोलते है उसको। इसका जो ये माउंट है ना, ये माउंट ही मेरे को 1800 का पड़ा है, सॉरी 2700 का पड़ा है। हाँ यस, 2700। ये बहुत हैवी ड्यूटी माउंट है, और इसमें ना फ्लेक्स है तो ये लाइट को गिरने नहीं देता, और ये भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इसका बीम, वो मुझे अभी इतना आता नहीं है बट जितना पता है। तो ये लाइट्स का नाम है मोटर फैंस। हाँ, और इसका वायरिंग हार्नेस, इसका वायरिंग हार्नेस आपको अराउंड 3500 का पड़ेगा विद द बटन्स, बट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी। यही हार्नेस में डायरेक्ट अगर GS 1200 भी लेता हूँ तो उसमें डायरेक्ट लाइट्स फिट होता है, इट्स जस्ट प्लग एंड प्ले। वो सब ठीक है, अभी प्राइस क्या है लाइट्स की? 20,000। ओह, सो ये लाइट्स 20,000 की है, बट रात में आपकी जान बचा सकती है फॉर श्योर। जिनको नाइट राइडिंग या अर्ली मॉर्निंग राइड करनी है ना, 20,000 रुपए डालो। मुझे हार्नेस वगैरह के साथ में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा, बट मेरा ऐसा था ना, मैंने पहले डाला है 4x4, उसमें मेरा 5,000 वेस्ट ही हो गया ना, एक साल में खराब हो गया, एक साल के अंदर खराब हो गया। तो अगर वो अगर अपन बचाते थे तो ये लाइट मेरे को टेक्निकली 15,000 का पड़ता था। बराबर, तो राइड इन्वेस्टमेंट है, रात के टाइम अगर आपको राइड करनी है या अर्ली मॉर्निंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये लाइट। इसका बेस्ट चीज़ क्या है ना, 2 से 2.5 साल का वारंटी है, ठीक है। एंड टुमारो मुझे ये लाइट अगर जीएस पे लगाना पड़े या कोई भी फ्यूचर बाइक जो भी होगी, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लगा सकता हूँ ना। एग्जैक्टली, बार बार खर्चा करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार लो एंड ये रहो, लॉन्ग छोड़ दो, टेंशन लॉन्ग टर्म बाय करते हो स्टॉक। सो ये ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन था नया 2022 डोमिनार वाला ऑन 2019 डोमिनार। तो अभी मैं ये बाइक को चला के देखूंगा कैसी है, टोटली नया फील है। पहले राहुल की बाइक चलाता था तो जो हैंड गार्ड का एल्युमिनियम फ्रेम है वो यहाँ पर लेफ्ट और राइट पे लगता था, अभी वो नहीं लगता, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा रूम मिलता है। एंड वाइजर है ना, बाप रे, मैं एक ही बात बोलूँगा, वाइजर का अगर वैक्स क्लीन, वैक्स पॉलिश भी करोगे ना आप रेगुलरली, ये वाइजर सालों सालों तक ब्रांड न्यू रहेगा, इतना अच्छा क्वालिटी बना है इसका वाइजर का। मेरे ख्याल से देर आर डीप चांसेस कि थर्ड पार्टी वाइजर लोग इग्नोर कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग 2022 डोमिनार। देख ये जो है रैम माउंट का जो नया क्लैंप लगा है ये वाला, ये बहुत ही अमेजिंग है, सीरियसली बोलूँ। उसका जो कॉन्ट्रास्ट कलर है सिल्वर और ब्लैक अभी जो दिख रहा है, इट लुक्स रियली प्रीमियम। और जैसे बोला कि जो चार्जर का पॉइंट लगाया है नए डोमिनार का, उसमें ना एक छोटा सा क्लैंप फिट किया है हैंडल बार राइजर के नीचे, उसकी वजह से हुआ है क्या मालूम है, एक हाथ सेंटीमीटर से ना हैंडल बार थोड़ा ऊपर भी आया है, विच इज़ रियली गुड साइन, क्योंकि हैंडल बार आपके जितना पास रहेगा ना उतना आप कंफर्टेबली राइड करोगे। दिस इज़ द न्यू MG हेक्टर इंटरनेट इनसाइड। हेलो भाई, जाने दो। सो ओवरऑल है ना बाइक में एक
नया क्या बोलते हैं लुक आया है, नई जान आई है ऐसा लगता है। क्योंकि एक चीज़ बोलता हूँ, वाइज़र है ना, वाइज़र फेस बन जाता है बाइक का, ठीक है, वाइज़र है ना लुक एनहांस करता है बाइक की, उसकी वजह से अभी बाइक अलग ही दिखती है इसकी। वाओ पावर, बहुत ही अच्छी है बाइक, बहुत ही अच्छी है, ओवरऑल प्रिटी मच हैप्पी विद द बाइक। और ये रैम माउंट, ये जो मोबाइल माउंट है नया JDR वाला, ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हाँ इतना बोलूँगा, ओवरऑल राइडिंग जो एक्सपीरियंस है उसमें इतना कुछ चेंज नहीं है। भले मैंने अभी ये वीडियो निकाल रहा हूँ अपने टेस्ट राइड की आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन, ज़्यादा चेंज मुझे हाईवे पे फील होगा, बिकॉज पहले हम लोग कार्बन रेसिंग का वाइजर यूज़ करते थे, इवन राहुल और मैं दोनों का जो वाइज़र है दैट इज़ फ्रॉम कार्बन रेसिंग। तो अभी कंपेयर टू कार्बन रेसिंग ये वाइज़र की हाइट थोड़ी नीचे है, तो अभी देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है विंड ब्लास्ट का ऑन लॉन्ग राइड्स। ओके मुझे लगता नहीं है इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, बट फिर भी लोगों की हाइट के ऊपर मैटर करता है, अगर किसी की हाइट कम ज़्यादा है तो उससे मैटर पड़ता है कि भाई होएगा कि नहीं, काम आएगा कि नहीं वाइज़र। ओके इवन ऑफ रोड में भी सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीट्स हम लोगों ने मॉडिफाई किए हैं, सीट्स आर प्रीटी मच स्मूथ। खड्डे वड्डे देखो ना, मैं कितना खड्डे में, आई एम सिटिंग ऑन द बाइक, ऐसे मोमेंट पे कोई बैठ नहीं सकता बाइक पे बिकॉज ऑफ खड्डा एंड ऑल। सो ये मोमेंट पे भी मैं बैठ के अगर बाइक चला रहा हूँ तो इट मीन्स बाइक इज़ रियली कम्फर्टेबल इवन ऑफ रोड्स। बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे एक ही एक्सेसरीज में ज़्यादा पसंद आई, दैट इज़ जो चार्जिंग का है, ठीक है, चार्जिंग मुझे पता नहीं था चार्जिंग भी लगा सकते हैं हमारी बाइक पे, क्योंकि आई थॉट कि भाई ये सिर्फ कंपनी के प्रोडक्शन लाइनअप में ही फिक्स होता है। फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये इसमें भी हम लोग डाल सकते हैं अभी, दिस इज़ रियली गुड थिंग। वाइज़र तो यार यानी इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही क्लियर है। हैंड गार्ड्स ने एक ही बहुत अच्छी चीज़ की है कि भाई जो रूम रहती है हाथ रखने के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल करा दी है अभी। तो आज के लिए ये वीडियो मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, आई विल कंक्लूड दिस वीडियो ASAP, क्योंकि जो अपने वीडियो का आज का पर्पस था वो कंक्लूड हो गया है अच्छा खासा। आई वॉन्टेड टू शो दिस एक्सेसरीज टू यू विच कैन बी रियली रेट्रोफिटेड ऑन द ओल्ड डोमिनर। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी थी टॉप रैक जो हमें चाहिए थी, विच इज़ एक्चुअली नॉट अवेलेबल एट डोमिनार सर्विस सेंटर, बजाज सर्विस सेंटर। तो वो अवेलेबल होती तो और मज़ा आता था, बट अनफॉर्चुनेटली टॉप रैक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टॉप रैक मुझे ख़रीदना था पर्सनली। एक्चुअली मुझे इतना पर्पस नहीं है टॉप रैक लगाने का, बट आई स्टिल वॉन्ट द टॉप रैक क्योंकि आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है वो टॉप रैक। अरे ये रही मेरी डोमिनार,
मजा आया। बाकी चल रहा है एकदम टकाटक। हाँ मस्त है, मस्त है एकदम।